स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस लोकेशन से होती है। पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं। अभी हमें गांव बगवाड़ी में, बगवाड़ी जस्ट मेरे सामने वहां पे बगवाड़ी, वो बगवाड़ी है। यहां से करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का प्लान बना है पीटसैंड जाने का। पीटसैंड चलते हैं। थोड़ा मॉनसून भी आ गया है, मौसम भी बढ़िया सा हो गया है, क्यों ना एक राइड ली जाए। बारिश थोड़ा ज़्यादा आ गई। हम तो सोच रहे थे बारिश इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, थोड़ी सी कम आएगी बारिश, पर थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है बारिश अभी। तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं। एक गांव था यहाँ पे कोई सुंदर, उसके सामने एक बस स्टॉप था, तो यहाँ पे रुके हैं। आशु जस्ट पीछे बैठा हुआ है। अभी देखते हैं कब तक बारिश बंद होती है। बारिश थोड़ा सा कम हो गई। वैसे आज शायद पूरा दिन ही बारिश रहेगी, पर हम थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे चलते रहेंगे जब तक थोड़ा कम है बारिश। अब वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, फिर से 6 या 7 किलोमीटर होगा और रोड काफ़ी ख़राब है। हाँ, आराम से चलते हैं फिर। सभी पीटसैंड पहुंच गए हैं। अब थोड़ा बैठते हैं, चाय चूई पीते हैं क्योंकि बारिश में हल्का सा भीग गए। उसके बाद थोड़ा शूट करते हैं क्योंकि अभी चारों तरफ फॉग है, जैसा चारों तरफ ही फॉग है। तो थोड़ा बैठते हैं, पहले चाय चूई पीते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर मौसम साफ़ होता है जब, उसके बाद थोड़ा शूट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आपकी ज़्यादा देखने वाली ज़रा बारिश तो बंद हो नहीं रही है, बारिश लगी रही है बिल्कुल, बारिश भी चली रही है। हमने सोचा कुछ खा भी ले, हमने पैक कराई, मैगी पैक करा रखी है। तो अब थोड़ा खाते हैं, यहाँ पे मैगी खाते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। बारिश थोड़ा सा बंद हो गई है, बट अभी भी चारों तरफ फॉग तो है ही। लेट्स सी, फॉग तो पूरा ही है। बिनसर महादेव का रास्ता है जो ऊपर जाता है, 11 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से बिनसर का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, मैं बीओ में दे दूँगा। और यहाँ पे गेट है वीरचंद्र सिंह जी, गढ़ाली जी का। और ये यहाँ पे एक गाँव है मासो, है यहाँ पे उनका जन्मस्थली है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जन्मस्थली मासो। अभी हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा आगे को चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या सीन मिलता है कैसा। वैसे लगता तो है नहीं कि ज़्यादा सूट हो पाएगा क्योंकि फॉग तो चारों तरफ हो गई है।
सो अभी हम जस्ट पीटसेन से 1.5 किलोमीटर आगे आए, यहाँ पे एक बढ़िया सी लोकेशन है, तो यहाँ पे हम रुके थे। सो यहाँ पे हमें मिला एक सॉल का पंख। सॉल एक्चुअली एक जानवर होता है जिसके सेफ्टी के लिए उसके चारों ओर लगे होते हैं कांटे, जैसे उसको मतलब उससे बड़े जानवर उसको हर्ट ना करे, उसको खा ना दे, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। सो इस पे कांटे होते हैं, काफ़ी नुकीले से कांटे होते हैं, और वैसे ये मिलना काफ़ी रेयर सा भी होता है। यहाँ के लोग भी कहते हैं आसपास के कि इसका मिलना लक होता है। वैसे तो ये मुझे पिछले 2 महीने में 6 या 7 बार मिल चुका है, देखते हैं कैसा लक होता है, क्या होता है। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे बैक पीटसेन, क्योंकि हमने पीटसेन में शूट कुछ किया नहीं था, हम डायरेक्ट वापस आ गए थे। अभी देखते हैं पीटसेन में क्या शूट करने को मिलता है, अभी थोड़ा सा वेदर खुल गया है, सो देखते हैं, मिलते हैं फिर पीटसेन में। सो पहुंच गए फिर से पीटसेन वापस। अभी मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, कोहरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, और अभी हमें पीटसेन के हेलीपैड पे, सो यहाँ का हेलीपैड है, आज वैसे तो पीटसेन है ज़्यादा बड़ा कोई गांव है नहीं, यहाँ पे 2-3 घर हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, 2-3 दुकानें हैं यहाँ पे, और एक घर यहाँ पे, यहाँ पे एक घर, और यहाँ पे एक घर है आगे पे, और यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे हमने चाय और मैगी खाई थी। और यहाँ से जो आगे का व्यू आता है वो कुछ इस टाइप का व्यू आता है, बिल्कुल लैंडस्केप बहुत सही वाला लैंडस्केप आता है यहाँ पे। वो पूरी चौथान रेंज दिख रही है, आई थिंक वहाँ से अल्मोड़ा भी दिखता है पूरा, और इस साइड को हमारा पूरा दोदातोली रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पूरा दोदातोली का रेंज यहाँ स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे बिनसर महादेव भी है, दोदातोली जो जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, वो पूरा इस साइड से स्टार्ट हो जाता है, पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे घर की ओर, सो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बढ़िया लोकेशन के साथ मिलेंगे। सो आज की लोकेशन थी पीटसेन 1 टाइम, और देख लो एक और बारी। सो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और बाय।